करते हैं आज का हमारा लेक्चर तीसरा, जो जिसमें कि पूर्ण संख्या के आधारित पे हमारा जो क्वेश्चन है या जो हम पढ़ रहे हैं अभी तक पूर्ण संख्या पे आधारित है। तो हमने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था पूर्ण संख्या का योग, अपूर्ण संख्याओं का घटाव। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं की गुणा के बारे में, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर। तो पहले हम मौखिक रूप से आपको समझा देते हैं। यदि संख्या ए की संख्या बी से गुणा की जा रही है, मतलब ए संख्या है इसे हम गुणा बी संख्या से कर रहे हैं, ए संख्या है और हमें बी संख्या है गुणा की जा रही है, तो इसका तात्पर्य है कि ए को इतना बार गुणा किया जाए, ए को इतना बार गुणा करेंगे तो हमें जो गुणा करके यहाँ पे जो प्राप्त होगा ए बी वह हमें मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं 3 × 2, ठीक ना। यदि हम 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 6। वही तो हम ये बोल रहे थे कि जब हम 3 को 2 बार जोड़ देंगे तो हमें यह प्राप्त होगा, 2 बार जोड़ेंगे भी तो हमें यह प्राप्त होगा। जैसे 3 + 3 को जोड़ेंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा। उसी तरह से हम ये बोल रहे थे 3 × 2, जब हम ये दोनों को गुणा करते हैं आपस में तो 6 प्राप्त होता है। इसी 2 को हम यदि 3 बार जोड़ेंगे तो हमें यह संख्या प्राप्त होगी। जैसे 2 को जोड़ना है ना, 3 बार जोड़ना है, 2 + 2 + 2, 2 × 4 = 6, हमें 6 प्राप्त हुआ। तो मेरा ये जो लाइन जो कह रहे हैं इसी पे यह आधारित है। यदि संख्या ए की संख्या बी से गुणा की जा रही है तो इसका मतलब तात्पर्य मतलब इसका मतलब है कि ए को बी बार योग किया जा रहा है, मतलब बी बार जोड़ा जा रहा है। उसी तरह से बी को ए के साथ जोड़ा जा रहा है, ए के बार योग जोड़ा जा रहा है। जैसे ए गुना बी, फिर से ए गुना बी बराबर a + a + a + हमें प्राप्त होगा क्या, b, ठीक ना। फिर हमारा है फिर प्लस में b + b + b, फिर इसी तरह से a बार गुना करना है, इसमें b बार गुना किए और इसमें हमें a बार गुना करना है। तो गुना योग का ही एक बड़ा स्वरूप है, गुना जो है या मल्टीप्लिकेशन हमारा एडिशन का ही एक हमारा स्रोत है, ये स्वरूप है। गुणन की प्रक्रिया में वह संख्या जिसे गुणा किया जाता है गुणन कहलाता है। जो संख्या हम गुणा करते हैं तो वह हमारा गुण कहलाती है। उसमें बताया था ना घटाव में हमें जो बड़ी संख्या होती है वह व्यवकल्य कहलाती है और जो छोटी संख्या होती है वह व्यकलित कहलाती है। तो उसी तरह से हम गुणा के बारे में पढ़ेंगे, तो गुणा में जिस संख्या को हम गुणा करते हैं वह हमारा गुण कहलाती है और जिसके द्वारा गुणा की जाती है वह गुणक कहलाती है। जैसे 5 है, 5 हमारा गुणक है और 2 हमारा गुण्य है, ठीक ना। तो 5 तब हम 5 × 10, ये हमारा नहीं दिख रहा था सॉरी, 5 हमारा गुणक है और 2 हमारा गुण्य है, तो ये हमारा 10 आंसर है, ठीक ना। तो इसी दोनों को हम क्या बोलते हैं, जो हमें इस दोनों को गुणा किए तो जो हमें प्राप्त हुआ इसी को हम क्या बोलते हैं, गुणनफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणनफल। फिर से हम एक बार बता रहे हैं, ये जो हमारा 5 है जिसमें हम गुणा करते हैं किसी संख्या को तो वह गुणक कहलाती है और जो गुणा करते हैं वह हमारा गुण कहलाती है, और जो इस दोनों को गुणक और गुण्य को जो गुणा करके जो हमें प्राप्त होता है वह हमारा गुणनफल कहलाती है। तो इसमें भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं, तो इसे भी याद रखें। 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव एक क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। 2 पूर्ण संख्या का गुणनफल सदैव एक पूर्ण संख्या होता है। लेकिन दूसरा पॉइंट है, यदि किसी संख्या में हम 0 से गुणा करेंगे तो हमें 0 ही प्राप्त होगी। लेकिन पिछले 2 में पढ़े थे जैसे योग में और घटाव में, यदि हम किसी संख्या को 0 से जोड़ेंगे तो हमें जो संख्या है वही प्राप्त होगी, और घटाएंगे भी तो जो संख्या हमें जिससे हम घटा रहे हैं वह हमें प्राप्त होगी। लेकिन गुणन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है, यदि हम 0 से गुणा कर रहे हैं तो हमें जो संख्या है वह हमारा का मान कुछ नहीं रहता है 0 से गुणा करने के बाद, तो इसलिए 0 हमारा आता है 0 कोई संख्या से गुणा करने पर। तो गुणन की संक्रियाएँ के लिए इकाई मतलब एक इकाई तत्व आइडेंटिफ एलिमेंट होता है, अर्थात किसी भी संख्या की 1 के साथ गुणा करने पर वह संख्या प्राप्त होती है। हमारा तीसरा पॉइंट है, यदि हम किसी संख्या को ठीक ना, जैसे मान लीजिए संख्या हमारा 9 है, उसको हम 1 से ही गुणा करेंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त जो हम संख्या से गुणा कर रहे हैं वह हमारा
वही हमें प्राप्त होगा। जैसे 9 × 1 तो हमें 9 प्राप्त हुआ, 8 × 1 तो हमें 8 प्राप्त हुआ। कितनी भी बड़ी संख्या ले लीजिए, उससे हम 1 से गुना करेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी। तो हमारा जो चौथा पॉइंट है, किसी संख्या में 10, 100, 1000 या 10000 आदि से गुना की जाती है तो गुणनफल के अंत में उतना ही शून्य होते हैं। जैसे मान लीजिए 8 से हम 10 में गुना किए तो हमारा जो 10 है 10 में कितना शून्य? 1। तो गुणनफल में हमारा वही इतना ही शून्य लगेगा। यदि 5 शून्य लगा हुआ रहता तो 10000 हमारा, 10000 नहीं 1 लाख, यदि 5 शून्य लगा रहता है तो 1 लाख, ठीक ना। तो 1 लाख में 8 × 1 लाख करते तो हमारा 8 में भी 5 शून्य ही लगता। तो हम एग्जाम्पल के माध्यम से एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। एग्जाम्पल फर्स्ट गुणनफल में मल्टीप्लीकेशन में हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। 7, 5, 3, 4, 1, 2 को हमने सब में एक दो दो एग्जाम्पल किया था, इसमें भी हमने दो एग्जाम्पल करनी है। तो इससे हमें गुना करना है, ठीक ना, गुना करना है। तो 7, 5, 3, 4, 1, 2 को 58 से गुना करना है। तो हम लोग तो पढ़े ही हैं बच्चा में या सीखे ही हैं गुना, हम लोग तुरंत फटाफट करते हैं। 8 × 2 = 1, 8 × 8 = 24। तो ये हमारा हो जाएगा 692 7206, ठीक ना। तो इसके बाद हमारा इतना करेंगे तो 5 × 5 = 1, फिर हमारा 6, फिर हमारा 7, यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 5 × 20 = 0, ठीक ना। तो 5 × 15 = 1 16 × 1 = 17 37 × 35 = 36 36 × 6 = 1 36 × 35 = 30 37 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारा है, जोड़ेंगे फटाफट 6, 9, 6, 2, 8, फिर हमारा 7, 7, 2, 9, 6, 7, 17, फिर हमारा 4। तो हमारा जो आंसर है 43, 69, 78, 96, ठीक है, ये हमारा एक आंसर है। तो ये हमें, ये तो था हमारा क्या था, एक अभी बताए थे ना, ये हमारा क्या है, गुणक है। क्या है? गुणक। ये हमारा क्या है? गुण्य है। और ये हमारा गुणनफल जो हमें प्राप्त हुआ, गुणनफल है ये, ठीक है। तो फिर हम एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। तो हमारा जो एग्जांपल नंबर 2 है, ये कहता है एक कुर्सी का मूल्य, ₹860 है। एक कुर्सी का कितना है? एक कुर्सी का मूल्य ₹860 है। तो उसी तरह से हमारा 2035 कुर्सी का दाम क्या होगा? तो क्या करेंगे? तो हमें 2035 में 860 से गुना कर देंगे तो हमें प्राप्त होता है, ये हमारा आंसर है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इस तरह के यदि लिखित क्वेश्चन रहे तो हमें एकदम पूरी तरह से सोल्व करके एकदम बनाना पड़ता है। अतः 2035 कुर्सियों का मूल्य होगा 17,50,100, ठीक ना। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही, इस लेक्चर में इतना ही पढ़ाया जाएगा। उसके बाद हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे पूर्ण संख्या का विभाजन। जो हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो पूर्ण संख्या का विभाजन, उसके बाद इसी लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। अगले जो लेक्चर हम पढ़ेंगे उसी लेक्चर में हमारा रहेगा विभाज्यता नियम, और उसे एकदम बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे, जो एक एक सवाल हमारा एकदम बढ़िया से बने। तो फ्रेंड्स, एक जानकारी देनी थी, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं पढ़ने के लिए, ऑनलाइन क्लास करने के लिए, तो वह हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए, ठीक ना। थैंक्स, हैव अ नाइस डे, बाय।